हर हर महादेव। मध्य प्रदेश के सुजालपुर जिले से एक जो है संतोष पालीवाल जी हैं शर्मा भारद्वाज गोत्री, इनका जो है प्रश्न है कि जैसे अनुष्ठान इत्यादि करते हैं तो उसमें अग्निवास की आवश्यकता रहती है, किस किस अनुष्ठान में अग्निवास की आवश्यकता नहीं है और किस किस में अग्निवास चक्र देखना चाहिए, ये जो है इसको बतलाएं। देखिए, सामान्य रूप से कोई भी यज्ञ हवन इत्यादि किया जाता है तो उसमें अग्निवास का होना परम आवश्यक है। ज्योतिष के अनुसार अग्निवास निकालना प्रायः सभी पंडित लोग जानते हैं और पंचांगों में भी रहता ही है ये चक्र, मुहूर्त शास्त्र का मुख्य विषय है। तो अग्नि का वास बतलाया गया है कि कभी स्वर्ग में होता है, कभी पाताल में होता है और कभी भूमि पर होता है। तो भूमि पर हवन तभी होना चाहिए, भूमि पर यज्ञ तभी होना चाहिए जब अग्नि का वास भूमि पर हो, तब ही शुभ होता है। लेकिन कुछ कर्म ऐसे हैं जिनमें अग्निवास की आवश्यकता नहीं है। सामान्य रूप से तो सभी कर्मों में अग्निवास देखा ही जाता है, लेकिन कुछ कर्म ऐसे हैं जिनमें अग्निवास की आवश्यकता नहीं है, उसका विचार नहीं करना चाहिए। तो वे कौन कौन से कर्म हैं जिनमें बिना अग्निचक्र शुद्धि अर्थात पृथ्वी पर अग्निवास बिना होते हुए भी हवन हो सकता है, तो ये आप देखें। हमारे पास शुक्ल यजुर्वेदीय कर्मकांड प्रदीप है और इसमें ये जो है ज्योत्र निबंध का वचन देते हुए ये लिखा हुआ है। ये कहते हैं देखिए, इन इन कर्मों में अग्निवास की आवश्यकता नहीं रहती है। दुर्गा होम विधौ विवाह समये सीमंत पोत्रोत्सवे गर्भाधान विधौ च वास्तु समये विष्णोः प्रतिष्ठादिषु मौंजे बंधन वैश्वदेव करणे नैमित्तिकोपस्थितौ होमे नित्य भवेन दोष उदितश्चक्रं च वह्नेरपि। ये वहाँ का प्रमाण है। कह रहे हैं दुर्गा होम विधौ, नवरात्र आदि में भगवती दुर्गा से संबंधित हवन किए जाने पर वहाँ भी अग्निवास की आवश्यकता नहीं है। नवरात्रों में अष्टमी जिनकी कुलों में पूजी जाती है, अष्टमी में भगवती का पूजन होता है तो वो अष्टमी में भगवती का जहाँ हवन इत्यादि होता है तो वो अष्टमी में हवन कर सकते हैं, अष्टमी नवमी की संधि में कर सकते हैं या नवमी में। तो भगवती का नवरात्र में तो हवन होता ही है, वहाँ कोई ऐसा विशेष विचार करने का विधान प्रावधान नहीं है। परंतु हमारे पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि नवरात्र के अलावा भी सप्तचंडी नवचंडी सहस्रचंडी लक्षचंडी इत्यादि के विधान हैं, वो समय भी हो सकते हैं, तो तब तो अग्निवास को देख लेना ही उत्तम पक्ष है। ये केवल दुर्गा होम विधौ का मतलब ये नवरात्र से संबंधित बात है, ऐसा पूज्य गुरुदेव का मत है। और विवाह समय, विवाह में विवाह से संबंधित मुहूर्त देखिए आप, अग्निवास हो न हो तब भी उसमें हवन हो सकता है। सीमंत पुत्रोत्सव, इसी तरीके से सीमंतोन्नयन में पुत्रोत्सव मनाने में, जन्मोत्सव इत्यादि नामकरण आदि मनाने में, तो यहां कुछ संस्कार गिना दिए गए हैं और जो संस्कार नहीं भी गिनाए गए हैं तो उनमें भी जिन जिन संस्कारों में जिन जिन के लिए जिन जिन शाखा वालों के लिए उनके गृह सूत्रों में हवन करने का विधान है तो उस संस्कार से संबंधित मुहूर्त देख करके आप उस नियत काल में हवन इत्यादि भी कर सकते हैं। वो संस्कार होगा और तत्संबंधी हवन इत्यादि भी होगा।
हवन के लिए अग्निवास की संस्कारों में आवश्यकता नहीं है, किसी भी संस्कार। तो ये कुछ संस्कार गिना रहे हैं, जैसे विवाह, सीमंतोन्नयन, जन्मोत्सव, नामकरण, गर्भाधान विधौ, अब गर्भाधान से संबंधित हवन करना हो चतुर्थी कर्म का, या गर्भाधान से संबंधित ही हमारी जो है शाखा में हाथियों के लिए चतुर्थी कर्म में ही गर्भाधान से संबंधित हवन हो जाता है, किसी शाखा में गर्भाधान से संबंधित हवन अलग होता है। वास्तु समय, अगर वास्तु शांति करनी है, गृह प्रवेश इत्यादि जिसको कहते हैं, वास्तु शांति तो प्रतिवर्ष ही होती है, गृह प्रवेश तो जब नवीन गृह बनता है या जब कोई लेता है तो उस समय एक बार प्रवेश होता है, पर वास्तु शांति प्रतिवर्ष करानी चाहिए, या घर में कोई ऐसा अनिष्ट हो जाए या कोई ऐसा उत्पात हो जाए या घर में शुभ शांति न रहे तब भी जो है वास्तु शांति अवश्य ही करा लेनी चाहिए। तो वास्तु शांति के समय में भी वास्तु शांति संबंधित जो विधान देखा जाएगा, और उस समय भी अग्निवास की आवश्यकता नहीं है। विष्णु प्रतिष्ठा दिशु, और भगवान विष्णु की या कोई अन्य की भी, किसी भी देव की अगर प्रतिष्ठा करनी है तो तत्संबंधी हवन भी हो सकता है। अब देखिए जो है प्रतिष्ठा इत्यादि में जो ये उपलक्षण है, जो विष्णु प्रतिष्ठा, शिव प्रतिष्ठा, दुर्गा प्रतिष्ठा, हनुमत प्रतिष्ठा, जिन जिन देवताओं की प्रतिष्ठा करने का शास्त्र में विधान है वहां, और मौंजी बंधन वैश्वदेव करणे, मौंजी बंधन माने यज्ञोपवीत संस्कार, तत्संबंधी हवन भी अग्निवास चक्र की शुद्धि के बिना भी हो सकता है। वैश्वदेव करणे, वैश्वदेव करण माने बल वैश्वदेव, जो नित्य प्रति हवन होता है भोजन बनने के बाद, कुछ देवताओं की आहुतियां जल में, कुछ की स्थल पर, किसी देवताओं की आहुति अग्नि में और दी जाती है, तो वहाँ नित्य प्रति अग्निवास की आवश्यकता नहीं है, बल वैश्वदेव में तो जो होगा ही होगा। इसी तरीके से अब जो है एक बात और कह रहे हैं, नैमित्तिकोपस्थितौ, यदि कोई नैमित्तिक उपस्थित हो गया तो उस समय भी अग्निवास की आवश्यकता नहीं है। नैमित्तिक माने कई, जिस किसी को निमित्त मान करके हवन हो रहा है, जैसे किसी का जो जन्म हुआ है, जन्म से संबंधित कोई शांति करनी है तो संबंधी हवन होगा, तो वो होगा ही होगा। किसी का जन्म जैसे मूल नक्षत्रों में हो जाता है, तिथि गंडों में हो जाता है, लग्न गंडों में हो जाता है, या जो अमावस्या में हो जाता है, चतुर्दशी में हो जाता है, ग्रहण में हो जाता है, कई जगह जो है जन्म का निषेध है, तो उससे संबंधित जो भी हवन शांति है, अब किसी का जन्म जैसे मूल नक्षत्रों में हो जाता है तो प्रायः 27 दिन बाद जब वो नक्षत्र आता है तो उसमें शांति करते हैं, तो तत्संबंधी हवन होगा, उसमें कोई अग्निवास की आवश्यकता नहीं है। इसी तरीके से किसी देवता की प्रतिष्ठा हो गई है तो अब हर वर्ष उसी दिन में कोई उत्सव मनाते हैं तो संबंधी हवन हो सकता है, जिसको जो है पाठोत्सव कहते हैं, या और भी कोई वार्षिक उत्सव है, प्रतिवर्ष वहाँ ऐसा होता है तो उस समय भी कोई भी अग्निवास की आवश्यकता नहीं है। और भी कोई भी नैमित्तिक हो तो वहाँ नैमित्तिक कार्यों में अग्निवास की आवश्यकता नहीं है। नित्यमेव न दोष उदितश्चक्रम च वन्नेरपि, इसी तरीके से नित्य होम कोई करते हैं, नित्य हवन होता है तो वहां भी अग्निवास की आवश्यकता नहीं है। इस तरीके का ये जो है शास्त्रों में विधान बतलाया गया है, इन जगहों पर हम जो है बिना अग्निवास के ही शास्त्रों के वचन बलात् हवन पूजन इत्यादि कर सकते हैं। हर हर महादेव।